सो हेलो एवरीवन, अब हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे आज। इसमें हम पढ़ेंगे अर्थिंग और न्यूट्रल ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक, तो क्या होता है अर्थिंग और क्यों यूज़ करते हैं अर्थिंग के लिए या न्यूट्रल ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर को? तो देखिए, सबसे पहला यूज़ है कि क्यों इसे हम यूटिलाइज करें। तो इसलिए होता है क्योंकि अब मान लीजिए आपका कोई थ्री फेज सिस्टम है, उसमें कहीं भी ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो न्यूट्रल पॉइंट या फिर ग्राउंड देने के लिए हम इस ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। और ये ट्रांसफार्मर कोई भी टाइप का हो सकता है जिगजैग हो या फिर स्टार हो। तो आप इसका यहाँ पर देखिए, ट्रांसफार्मर को, अर्थिंग ट्रांसफार्मर जो है रेड कलर से जो शोन है वो इसकी कोर है। आर वाई बी, तीन फेजेज हैं। इन तीन फेजेज में ही क्या किया गया है, आर फेज में बी वाई फेज को लगा करके उसको एक पॉइंट से, उसी तरीके से बी को वाई फेज में लगा के एक पॉइंट से और रेड को बी फेज में लगा के एक पॉइंट से जोड़ के ग्राउंड कर दिया गया है। ठीक, तो इससे क्या होगा, आपको एक ग्राउंड मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी ये जो दिखाया गया है इसमें क्या बताया गया है कि एक एलजी फॉल्ट आ रहा है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक, अगर उस केस में फॉल्ट करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, वो फॉल्ट करंट इस ट्रांसफार्मर को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी। अब देखिए, ये तो हो गया आपका जनरेटर। ठीक, या फिर आप मान सकते हो किसी भी दूसरे ट्रांसफार्मर जो कि ट्रांसमिशन लाइन पे लगा हुआ है उसकी वाइंडिंग्स है। ठीक, और ये डेल्टा कनेक्टेड है और ये हो गई ट्रांसमिशन लाइन्स उसकी। ठीक, अब आपको पता है कि डेल्टा कनेक्टेड जो भी ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें ग्राउंडिंग नहीं होती है। तो वो ग्राउंडिंग या फिर न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या किया, एक स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर लिया और उसको कनेक्ट कर दिया, और थ्रू द ग्राउंडिंग जैसा अभी ऊपर किया है एक ग्राउंडिंग पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन कर लिया। ठीक, तो इस फिगर में आपको क्या बताया गया है कि जब भी कोई फॉल्ट आता है तो वो फॉल्ट जो होगा वो इस ट्रांसफार्मर को इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखिए फॉल्ट करंट आई एफ इसमें फ्लो हो रही है। ठीक, ये फॉल्ट करंट ग्राउंड के थ्रू हो करके ट्रांसफार्मर में जाएगी और तीन अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर वाइंडिंग बर्डन महसूस नहीं करेगी ड्यू टू द फॉल्ट करंट। तीनों ही वाइंडिंग्स इक्वली फॉल्ट करंट को कैरी करेंगी और ये फॉल्ट करंट कुछ ही मिली सेकेंड्स के लिए फ्लो करता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई क्यों यूज़ करते हैं हम थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का एज अ न्यूट्रल ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर, क्योंकि हमें न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन करना होता है इन केस अगर आपने डेल्टा कनेक्शन यूज़ किया है मेन ट्रांसफार्मर में या फिर आपको कहीं भी लाइन में ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। तो देखिए, अगर आपको इसकी रेटिंग पता करनी है तो रेटिंग हम ऑब्टेन करते हैं यूजिंग अ वोल्टेज लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, और करंट जो होगी वो न्यूट्रल करंट होगी। ठीक, तो अगर आप के वी को न्यूट्रल करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको के वी ए मिल जाएगा, किसका, इस थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का। ठीक, जो कि आप एज अ ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हो। तो ये तो हो गया बेसिक्स थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का। अब उसके बाद आता है आपका टैप चेंजर्स। देखिए, टैप चेंजर भी एक तरीके का ट्रांसफार्मर ही है, बस इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई सिस्टम है, उसका जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज है, मतलब एक साइड का वोल्टेज, वो 33 kV है और दूसरी साइड में आपको चाहिए कि थोड़ा सा वोल्टेज अप हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर उस जगह पे लगा देंगे। उससे क्या होगा कि जितना भी वोल्टेज आपको इंक्रीज़ करना है तो यूजिंग अ टैप आप उस वोल्टेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए, जब भी लोड लगाते हैं हम, आपको पता है लोड लगाने से क्या होता है, वोल्टेज में जो है वो चेंज आता है। मैं आपको ग्राफ भी बना के दिखा देता हूँ। देखिए, ये अगर आपका टाइम और वोल्टेज एक्सिस है, ये जो है आपकी वोल्टेज एक्सिस है और ये जो है आपका टाइम एक्सिस है। ठीक, और ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट है आपका सोर्स वोल्टेज का। अगर आपका लोड लगा है तो ये वोल्टेज धीरे धीरे ड्रॉप होगा। ठीक, और ये किसी पॉइंट पे जाके इक्वल हो जाएगा आपके जो भी आपका रिसीविंग साइड का वोल्टेज है।
तो ये आपको ड्रॉप मिल रहा है। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि इन द मिडिल ऑफ लाइन आप इस वोल्टेज को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, इस इंस्टेंट पे एक टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर लगा दिया। उसने क्या किया, इस पॉइंट पे आके उसने इस वोल्टेज को थोड़ा सा अप कर दिया नियरली इसके, फिर से थोड़ा सा डिक्रीमेंट आया, फिर से आपने यहाँ पर टैप चेंजिंग लगा दिया, फिर से उसने अप कर दिया। ठीक, तो ऐसे करके आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ मान लीजिए T1 ट्रांसफार्मर लगा था और यहाँ पे T2 लगा था। ठीक, तो ऐसे आपको एक यूनिफॉर्म वोल्टेज मिलेगा। मैं साफ साफ बना देता हूँ इसको। तो देखिए, अब जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, तो उतना वेरिएशन नहीं आएगा एज़ कम्पेयर टू पहले। पहले कैसे आ रहा था, सडन डिक्रीमेंट हो रहा था, तो अब आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो ये काम है टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर का। अब इसमें भी कई दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है नो लोड टैप चेंजर और एक होता है ऑन लोड टैप चेंजर। अब देखिए, नो लोड मतलब अगर आपको वोल्टेज को इम्प्रूव करना है, ठीक, तो आप क्या करेंगे, सारे लोड को हटा देंगे, उसके बाद आप टैप में चेंज लाएंगे और फिर आप वोल्टेज में इंक्रीमेंट देखेंगे। ठीक, तो इसमें क्या डिसएडवांटेज है कि आपको लोड हटाना पड़ रहा है। ठीक, ऑन लोड में क्या होगा, ऑन लोड में आपको टैप मतलब लोड हटाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपने जाके टैप चेंज कर दिया, उससे क्या होगा, आपका लोड में वोल्टेज में वेरिएशन आएगा जो कि आपको अल्टीमेटली चाहिए विदाउट चेंजिंग द लोड। ठीक, तो ये मोस्टली ऑन लोड टैप चेंजर का काम है। अब इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। अब जो मैकेनिकल टैप चेंजर्स हैं वो मैकेनिकली किया जा सकता है, हो सकता है वो इलेक्ट्रॉनिक हो। अगर मैं आपको मैकेनिकल टैप चेंजर दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, ये तो हो गया आपका लाइन, ठीक, ये वाला पोर्शन, और ये आपका न्यूट्रल पॉइंट, मतलब न्यूट्रल और लाइन के बीच में आपने एक टैप चेंजर लगा रखा है। अब अगर आपको थोड़ा सा भी वोल्टेज इम्प्रूव करना है इस लाइन का, तो आप एक पर्टिकुलर टैप को चेंज करेंगे डिपेंडिंग कि आपको कितना टर्न चाहिए, ज़्यादा टर्न चाहिए ज़्यादा वोल्टेज, कम टर्न चाहिए कम वोल्टेज। ठीक, तो इन टैप चेंज को चेंज करके आप वोल्टेज में वेरिएशन ला सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका ऑन लोड सॉरी मैकेनिकल टैप चेंजर। सो इसका ऑपरेशन आप पढ़ सकते हो कि देखिए, स्विच 3 क्लोज है तो पावर जो है वो यहाँ से फ्लो हो रही है और करंट, और यहाँ से आ करके न्यूट्रल में चली जा रही है। ठीक, मतलब यहाँ से आई थ्रू 3 होते हुए वापस चली गई। अब मान लीजिए आपको वोल्टेज में कोई चेंज लाना है, आपने 3 को ओपन किया, 5 को क्लोज कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए, तो अब क्या होगा, वोल्टेज भी कम हो जाएगा। उसी तरीके से जब आपने 7 को टैप किया तो वोल्टेज और कम हो गया, उसी तरीके से 8 को टैप किया तो और कम हो गया। अगर आपको वोल्टेज बहुत ज़्यादा चाहिए, आपने 1 को टैप किया और बाकी सारे ओपन कर दिए, तो आपको एक हाई वोल्टेज मिल गया। ठीक, तो ये तरीका है टैप चेंजिंग का। डिसएडवांटेज इनका अगर आप बात करो तो एक ही है कि सडन सिस्टम में चेंज लेके आते हैं ये, क्योंकि वोल्टेज में कोई भी चेंज आ रहा है, आपने टैप चेंज किया है तो वोल्टेज सर्जेस आएंगी। ठीक, आपका सिस्टम हो सकता है थोड़ा सा अनस्टेबल भी हो जाए, स्विंग आ जाए आपके जनरेटर्स में, तो वो चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए कि वोल्टेज हमारा मेंटेन रहे, इसी पे हम ज़्यादा फोकस कर। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या क्या पढ़ा हमने इस लेक्चर में। एक तो हमने देखा कि ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर क्या है और दूसरा टैप चेंजर क्या है। ठीक, ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर को हम क्यों यूज़ करते हैं, जब भी हमें लाइन में कहीं भी ग्राउंड ऑब्टेन करना होता है, यानी कि ग्राउंड का यूज़ करना होता है, और हमें तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर ले जाते हैं, उसको उस लाइन पे लगा देते हैं और हमें ग्राउंडिंग मिल जाती है। टैप चेंजर का क्या काम है, टैप चेंजर आप हमेशा किसके बीच में कनेक्ट करोगे, लाइन और न्यूट्रल के बीच में। ठीक, तो उनके बीच में जब आपने कनेक्ट किया और जब भी आप टैप चेंज करेंगे तो उस लाइन का वोल्टेज चेंज होगा। ठीक, तो 3 फेज़ में याद रखिएगा, तीनों फेज़ में एक एक ट्रांसफार्मर लगा होगा और उनका वोल्टेज वेरिएशन जो होगा वो एक साथ किया जाएगा, ताकि
वोल्टेज में जो वेरिएशन है वो सेम आए। ओके एवरीवन, थैंक यू, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।